सारी संगत जी का शुक्राना और आंटी के यहाँ आज गुरु जी का सत्संग हुआ। इतनी प्यारी प्यारी संगत जी आए, इतने अच्छे से सब ने सत्संग को अटेंड किया। हो सकता है सब पहले से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ लोग फर्स्ट टाइम भी आते हैं। तो ये गुरु जी का दरबार ऐसा है कि यहाँ तो जो पहली बार आए या बार बार आए या बहुत पुराना आ रहा है या नया आ रहा है, सब गुरु जी की संगत है। गुरु जी ने कभी किसी में संगत जी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई बहुत पुरानी संगत आएगी तो मैं ज़्यादा ब्लेस कर दूंगा, जो पहली बार आएगा मैं उसको कम ब्लेस करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई राजा रंक नहीं है। यहाँ तो गुरु जी मेरे ख्याल में तो उनको ज़्यादा ख्याल क्या एक्सपीरियंसिस हैं ऐसे कि ड्राइवर और मेट्स को तो सबसे पहले ब्लेस करते हैं और जो खाना बना रहे हैं सेवादार पीछे लगे हुए हैं। तो हम लोगों के मन में ये डाउट्स आते रहते हैं कि भाई हम आगे बैठेंगे या कैसे। सबसे पहले मैं आपको ये सॉरी गुरुजी हर बार शेयर कराते हैं और रोज़ ही कराते हैं तकरीबन, कि बहुत सारी ऐसी संगत थी जो नीचे नहीं बैठ पा रहे थे पर उन्होंने आते ही अपना स्थान ले लिया। तो हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि जब आप बड़े मंदिर में जाते हो तो अंदर जो बड़े मंदिर गए हैं, आपने देखा अंदर कोई कुर्सियाँ नहीं लगी हुई, बाहर बेंच लगे हुए हैं। लेकिन अब दोबारा से ना उन्होंने कोविड के बाद मंदिर में बिठाना शुरू कर दिया। पहले तो ये अभी थोड़े दिन से हो रहा था, जाओ मत्था टेको और निकलो, प्रसाद लो जाओ। अब कल भी गए थे, जो भी हम जा रहे हैं इतने दिनों से, अब वो अंदर दरबार में बिठाते हैं। वहाँ पे कोई किसी की मजाल नहीं है, कोई सेवादार को ये कह दे कि मुझे यहाँ पे कुर्सी चाहिए या मैं नीचे नहीं बैठ सकता। क्योंकि जब आप इन गुरु जी के दरबार में आ गए ना, तो ये सोच के आओ कि आपकी परेशानियाँ यहाँ ख़त्म होनी है, सारी प्रॉब्लम्स का अंत यहीं पे है। क्योंकि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए संगत जी कि आज की डेट में हम इतने वडभागी हैं कि हम परमात्मा के ऑरा में बैठे हैं, पर हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें समझ ही नहीं आता, हमें लगता है नहीं ये तो वैसे ही सत्संग हो रहा है, या कोई समझता है। बहुत सारे लोग, मैं मानती हूँ कि जब नए नए जुड़ते हैं ना, थोड़ा टाइम हुआ होता है, हम भी पहले ऐसे ही थे, हमारा किसी का कसूर नहीं है, तो तब यही लगता है कि सत्संग एक बहुत गुरु जी का सत्संग बहुत लाविश होता है, या वहाँ पे बहुत अच्छे से जाओ, पार्टी वार्टी हो रही है, खाना लंगर मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो आपको सारा तत्व जो यहाँ पे आके मिलता है, वो आपको शब्द गुरबानी से मिलता है। जो आपने अभी गुरबानी को सुना, जिन लोगों ने भी ध्यान लगा के गुरबानी को सुना, गुरु जी ने उनको 100% ब्लेस करना ही करना है। लेकिन अगर आपका ध्यान इधर उधर ही भटक रहा है कि मैं फ़ोन देख लूँ, या मैं कोई वीडियो बना लूँ, या मैं किसी सहेली को देख लूँ, या मैं कोई रिलेटिव को ढूंढ लूँ आया है मेरे पास नहीं बैठा, ये चीज़ों से ना हमारा तो ध्यान, हम तो हैं मतलब कि पापी, इस दुनिया में आए हैं, इस गंदगी में रोज रह रहे हैं, नरक में रह रहे थे और हमें गुरु जी ने स्वर्ग में पहुँचा दिया, ये ऑरा दे दिया, स्वर्ग का ऑरा दे दिया। अब जब स्वर्ग में जाते हैं हम, तो क्या वहाँ पे जाके हम अपनी चलाते हैं? नहीं ना, वहाँ कितने खुश होते हैं, हमें भगवान यमराज हमें स्वर्ग में भेज दिया। सोचो अगर हमें नरक में भेज देते तो हम कैसे बने रहते, पापी, गंदे, मैले, कुचैले, गंदगी, नेगेटिविटी से भरे हुए। पर इस दरबार में आती है पॉजिटिव हो जाते हो। और गुरु जी कहते हैं तुम्हारे आने से पहले मैं खुद ध्यान में आके बैठ जाता हूँ, तुम तो बहुत देर के बाद आते हो, कोई एक घंटे बाद आ रहा है, कोई आधे घंटे बाद आ रहा है, कोई लास्ट में आ रहा है। जब भी रोज गुरुजी शेयर करवाते हैं, शायद ये सेवा होती है। ऐसा नहीं है गुड़गांव में सत्संग नहीं होते, मेरे को लगता है रोज हजारों सत्संग होते हैं, और मुझे भी बहुत बार गुरुजी ने दिल्ली से यहाँ गुड़गांव बुलाया। जब जब बुलाया तब तब संगत को आंसर मिले हैं। बोलते हैं संगत उस समय उन्हें बहुत बुरा लगता है जब हम उन्हें टोक रहे होते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, फोन बंद कर दो। लेकिन जब वो बाद में सत्संग सुनते हैं तो उनको लगता है कि वाकई में कि गुरुजी में कुछ तो शक्ति है ना। कोई आंटी अगर इतनी दूर से आई है सेवा में, एक आंटी ने यहाँ सेवादारों की कमी थोड़ी ना, अगर बुलाया है तो शायद आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बुलाया होगा। अब इतने हजारों मेरे पास ऐसे सत्संग हैं, मैं ऐसे रोज सेवा में रहते हैं, हम कई साल से हम डेली सेवा में जाते हैं। और आपको पता है जब हम डेली जाते हैं तो जितनी आज संगत कभी 50 होती है, कभी 100 होती है, कभी 1000 भी होती है, कभी 2000 भी होती है, कभी 10 भी होती है, तो उनमें से कितने ही घर ऐसे होते हैं जहाँ पे वो चेयर्स लगा के रखते हैं,
सामने चेयर लगा देते हैं, इन्होंने भी लगाई हुई थी, मैंने आते ही हटवाई। क्योंकि देखो सबसे पहली बात आप याद रखो, जब भी हम किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं, किसी भी गुरुद्वारे में जाते हैं, आपने देखा गुरु ग्रंथ साहिब जी बंगला साहब में लगे हैं, तो उनके पीछे उन्होंने जाके अब जाके बेंच लगाए हैं। सामने गद्दी के सामने कभी भी हमारी इतनी औकात ही नहीं है कि हम अपने गुरु की बराबरी कर सकें। फिर मेरे मन में गुरु जी ने ये थॉट डाला, हमेशा से डालते हैं, कि आज संगत बैठी है 70-75 पर कुर्सियां सिर्फ हैं 10-15। ठीक है 15 होंगी 20 होंगी, 70 तो कुर्सियां नहीं है। अगर यहाँ 70 लगी होती ना तो ये 70 के 70 कुर्सी पे ही बैठे होते। 20 थी इसलिए बाकी के 50 जमीन पे बैठे हैं। अब आप ये बताओ मुझे कि जब हम ये कहते हैं गुरु जी हमारे लिए लाइव है, गुरु जी की संगत सारी संगत बराबर है, कोई यहाँ VIP नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर मेरे सामने सच में, बहुत बार गुरु जी मुझसे बुलवाते हैं, जाने क्यों बुलवाते हैं, इतनी बड़ी हस्ती है मोदी जी कि अगर वो भी आ जाएंगे तो मैं उन्हें भी एक बार तो हाथ जोड़ के बोलूंगी भैया नीचे बैठ जाओ, फोन को बंद कर लो, क्योंकि यहाँ कोई डर नहीं है, यहाँ सिर्फ गुरु महाराज का डर है, हमें आपसे क्यों डरना है। अब ये जो 15-20 ऊपर बैठ जाते हैं इसका मतलब तो ये VIP हो गए, आप लोग VIP हो क्योंकि आप ऊपर बैठ रहे हो, बाकी तो सारे बेकार हैं जो नीचे बैठे हैं। तो कर्म कैसे कटेंगे संगत जी अगर आप जमीन पे बैठते हो। मैंने इतनी लोगों के घरों में गई हूँ मैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो 95 ईयर के थे, जो कभी जिंदगी में जमीन पे नहीं बैठे थे, और वो एक बार कहने से बैठ गए, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो 2 घंटे बाद जब उठते हैं तो उनके घर वालों के प्राण सूखे होते हैं कि हरे अब तुझे उठ ही नहीं पाएगा आज बंदा मेरा। उठ के खड़े हो जाते हैं, शुक्राना करते हैं, डांस भी करते हैं, और उसके बाद वो हमेशा ही जमीन पे बैठते हैं। तो आज आप बैठ गए, मैं ये कहती हूँ मैं तो यहाँ दोबारा पता नहीं कब आऊँगी, एक घर में जाती हूँ तो मैं दोबारा बार बार वहाँ नहीं जाती, बहुत कम होते हैं जो हर महीने मंत्री में बुलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम कड़वा बोलते हैं तो लोगों को नहीं पसंद आता। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें मेरा भला नहीं है, अगर आप मेरे कोई रिश्तेदार नहीं हो, मैं आपको सबको पहली बार मिली हूँ, आंटी के घर पहली बार आई हूँ, मेरा कोई रिलेशन नहीं मैंने आपसे जोड़ना, अगर आज आप अगली बार सत्संग में जाके जमीन पे बैठते हो, अपने कर्म कटवाते हो, अपने घुटने ठीक कराना चाहते हो, अपनी बैक पेन ठीक कराना चाहते हो, अपनी बॉडी को ब्लेस कराना चाहते हो, बीमारियों से मुक्त कराना चाहते हो, तो जमीन पे ही बैठना। ये मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बैठी हूँ, जो मैं जिंदगी में कभी बैठ नहीं सकती थी जमीन पे, चौकड़ी नहीं मार सकती थी, ऐसे बैठना तो बहुत ही दूर की बात है। इतनी बैक पेन थी, स्लिप डिस्क थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था, कमर में दर्द होती थी, हर एक घंटे के बाद मुझे लेटना पड़ता था, पर गुरुजी ने अपनी सेवा में बुला के अपने मंदिर में, लोग वहाँ 15 मिनट बैठते थे, मैं 2-2 घंटे पीछे बैठी रहती थी आंखें बंद करके, जानबूझ के मंदिर में, कोई मुझे देखेगा नहीं तो मुझे उठाएगा ही नहीं, और मुझे क्योंकि अपने कर्म कटवाने थे, मुझे ठीक होना था। फिर यहाँ का जो लंगर प्रसाद है, जो कुछ संगत को नहीं पता, वो थोड़ा जल प्रसाद छोड़ देते हैं, नहीं लेना, चाय नहीं पीनी है, ये चीज़ें ख़त्म करो अपने मन से, कि जब तक आप ये लंगर प्रसाद नहीं खाओगे, जब तक आपके अंदर ये दवाई नहीं जाएगी ना, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। फिर आप रोज़ जाते रहो सत्संग में, डेली जाओ, डेली सोचो कि हम तो रोज़ सत्संग में जाते हैं, हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं, हमें तो रोज़ गुरुजी अपने महाराज बुला लेते हैं। जाना एक अलग बात है, वहाँ जाके ध्यान लगाना एक अलग बात है। अब ध्यान कैसे लगता है, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेती ना, मैं किसी को यहाँ पे जानती हूँ, ये बच्ची बैठी हुई है, मेरे को लगता है ये छोटी सी है, ये जब से आई है तब से इसका ध्यान लगा हुआ है, मैं इसको देख रही थी, आँखें बंद करके बैठी है, ऐसे होना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आपको कोई टक्कर मार के जा रहा है, देखो ही मत, ध्यान यहाँ गद्दी पे, और उस उनको तो हम देखते ही नहीं है। अगर मैं ये सत्संग शेयर करने से पहले किससे पूछ लेती कि गुरुजी के रंगोली में बताना जरा कितनी लाइनें हैं, तो शायद किसी को नहीं पता होगा। अभी आपने सुना ना कि सुन दे ते सारे हैगे ने, पर जे पूछ लो कि उन्हें केड़ा शब्द वजिया सी, सबनों पै जाती है कि हाय क्या गलत पूछ लिया क्वेश्चन। ध्यान दो, क्या फूल है, क्या चोला है, क्या गुरु जी हैं। मैं तो सच कहती हूँ, जब मेरा शुरू में ध्यान नहीं लगता था, गुरुजी ने मुझे क्या सिखाया, मैं लड़ियाँ ही गिनने बैठ जाती थी, गुलाब के फूल ही गिनती रहती थी, मेरे उधर ध्यान ही ना लगे। मेरे घर दरबार लगा है, रोज़ लाइव सत्संग होता है, जो भी हमारे डेकोरेशन है
जब ध्यान नहीं शुरू में लगता था, अपना डेकोरेशन को ही देखती रहती थी, गुरुजी के स्वरूपों को ही देखती थी, इधर उधर देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें ये जो जीवन में आज 2 घंटे मिलते हैं ना, यही बस हमारे, यही हमारे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके, यही 2 घंटे की घड़ियाँ आपको जो मिली है ना, और हम इन्हें व्यर्थ गंवाए थे, बिल्कुल व्यर्थ गंवाए थे, छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं चलो कोई बात नहीं, भेड़ चाल है, वो भी तो ऐसे कर रहा है, अरे मेरे साथ बैठा है उसने तो सिर नहीं ढका, मैं क्यों ढक लूं। गुरबानी, गुरबानी क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के शब्द चल रहे हैं, पक्के शब्द चले थे आज, अनंत साहब आता है सारे अपना सर ढक लेते हैं। आज मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है अनंत साहब और शब्द गुरबानी में क्या फर्क है? कोई बता सकता है क्या फर्क है? अनंत साहब आते क्यों सर ढक लेते हो? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि नहीं अनंत साहब गुरुद्वारे में चलता है, सर ढक लो। फिर क्वेश्चन लोग करते हैं इधर उधर, जब मैं बोलती हूँ सर ढको, हंसते हैं मेरे ऊपर, मजाक भी कई लोग बनाते हैं कि कैसी बेवकूफ आंटी आ गई है, गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा सर ढको। यही सुना है ना आपने, क्योंकि सुना है, गुरुजी ने यह भी कभी नहीं कहा कि सर मत ढको। अगर आपको एक सेवादार कह रहा है सर ढक लो, तो क्या चला जाएगा? अगर 2 घंटे सर, अब उतार दो चुनिया, शब्द गुरबानी खत्म हो गई, नीचे हमने भी कर लिया। गुरबानी चलते समय अगर आप सर ढकते हो, अब अपने गुरु का अदब करते हो, उसका मान बढ़ाते हो, जब हम गुरु को मान देते हैं ना संगत जी, तो वो हमें सम्मान देते हैं, वो हमारी लाज के पर्दे ढकते हैं। हमेशा याद रखना, सर ढकने के बड़े सारे अर्थ होते हैं। सर ढकने का मतलब है हमारी लाज के पर्दे गुरु ने हमेशा ढके हैं, हमेशा ढके हैं। इसलिए आगे से कभी भी जाओ ना, आंटियों को खास कर गुरु जी कहते दुपट्टे लेके आया करो, और दुपट्टे लाने के बावजूद भी सर जरूर ढका करो थोड़ी देर। हमें भी गर्मी लगती है, जब हम आए थे इतनी गर्मी थी, एक लाइट नहीं थी, पंखा भी नहीं चल रहा था। हम, मैंने आंटी को यही कहा, मैंने कहा आंटी सुबह से लाइट नहीं है, ये परीक्षा हो रही है आपकी भी हमारी भी, देखना सत्संग शुरू होगा लाइट आ जाएगी, और आधे घंटे बाद लाइट आ गई। गर्मी तो सबको लगती है, अब आप गुरुद्वारे में जाते हो तो भी सर ढकते हो, फिर लोग मुझे कहते हैं ये कोई गुरुद्वारा थोड़ी ना है, अगर ये गुरुद्वारा नहीं है तो यहाँ शब्द गुरबानी क्यों चलाई जा रही है, फिर तो खुद ही गा लेते हैं, गाने गा लो, भजन गा लो, कुछ भी गा लो, है ना। गुरबानी आंटी के हुक्म से शब्द गुरबानी इन्होंने मुझे भेजे, 2-4 गुण गावा दिन रात लाख खुशियां, ये सारे तो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ही शब्द हैं, किसी और ने थोड़ी ना लिखे हैं, गुरु नानक देव जी, सारे गुरुओं ने लिखे हैं। तो आगे से सर को जरूर ढका करो, समय से पहले आया करो। 2-4 चीजें हैं गुरु जी, बड़े सिंपल हैं, गुरु जी ने कोई वहमों में पढ़ने को मना किया है। गुरु जी ये भी कहते हैं, अब कई लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं नॉन वेज खा के हम सत्संग में जा सकते हैं, आज हमने अंडा खा लिया, उसका कोई वहम नहीं है, आप पवित्र हो, आप मन से तो पवित्र हो, आपने आके गुरु का सत्कार तो किया, उसका अदब तो किया, उसके आगे झुके तो सही। ये वहम मत करो कि हाँ हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, ये बड़े सिंपल गुरु है, इन्हें तो आपके चोलों और फूलों की भी जरूरत नहीं होती है, सूखा रूखा सूखा जो घर में पका है वो खा के खुश है। अब देखो इनके घर में सारे कमरों में एसी लगे होंगे, पर उनको आज किसी को एसी में बिठाना ही नहीं था, उनको सबको गर्म कटवाने थे गर्मी में बिठा के, मेरे तो खास कर कटवाते हैं क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, और मेरे को हमेशा, मैं आज हंस रही थी, मैंने कहा आंटी बताओ दिन में 24 घंटे में अपने घर में एसी में रहती हूँ, मैं जब कहीं सत्संग में जाती हूँ या तो वहाँ लाइट चल जाती है या वहाँ एसी होता ही नहीं, और होता है तो लाइट चल जाती है, बंद हो जाता है, ये पता नहीं इन्होंने मेरे ठीक किया है मुझे, मेरे को माइग्रेन था जो मेरा गर्मी से होता था, मुझे, मैं बिल्कुल गर्मी नहीं बर्दाश्त करती थी, मुझे इन्होंने गांव गांव में भेजा सत्संग करने, जहाँ पे पंखे तक नहीं थे, मक्खियाँ बिन बिन आ रही होती थी, खड़ी हो, और सच कह रही हूँ मैं, हमेशा मैं बड़े हेयर स्टाइल बना के बाल छाल खोल के जाती होती थी, अब मैं हमेशा अपने बालों को बांध के ही जाती हूँ, मुझे पता है इन्होंने मेरे को गर्मी में ही खड़ा करना है, तो कपड़े भी हम ऐसे ढूंढ ढूंढ के पहनते हैं हमें गर्मी ना लगे, चाहे सर्दी भी क्यों ना हो, पर ये इनके कर्म कटवाने का जरिया है। अगर आज आपको यहाँ बिठाया है, कोई तो आपको वजह होगी जो यहाँ के इतनी संगत में से सिर्फ आप ही यहाँ क्यों बैठे हो और आप ही सत्संग क्यों सुन रहे हो। दिल से सोचना कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो यहीं पे छोड़ देना, बात को ख़त्म कर देना, अगर कुछ अच्छा लगे तो उसे नेक्स्ट टाइम अपना लेना। उससे क्या होगा कि गुरुजी आपको तो जो ब्लेसिंग देंगे देंगे, और उसका 1% मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा, है ना। तो मैं तो हूँ ही स्वार्थी, आपको इस तरीके की बातें करके अपने आप से भी
स्वार्थ में हूँ ना कि मुझे भी तो ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि अगर आप उनकी संगत अच्छी बने, देखो गुरुजी कहते हैं संगत सारे हैं, संगत बनो, भीड़ मत बनो, आप भीड़ मत बनो, आप मुट्ठी भर संगत बनो। क्या है, गुरुजी के विचारों को मानो, यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पे कोई गरीब अमीर नहीं है, चप्पलों के साथ अहंकार को बाहर छोड़ के आओ, निंदा चुगली छोड़ो और प्रतिस्पर्धा छोड़ो, होड़ छोड़ दो। गुरुजी ने कहा चंगा खाओ चंगा पाओ, ऐश करो कल्याण कीता, अच्छा खाओ अच्छा पहनो। लेकिन अच्छा खाने और अच्छा पहनने का ये मतलब नहीं है कि किसी ने अच्छा नहीं पहना तो उसको हीन भावना से देखेंगे हम, ऐसा नहीं है कि वहाँ हमने यहाँ दिखावा नहीं करने जाना। हम भी रोज नए कपड़े पहन के सत्संगों में जाते हैं, पर इसलिए नहीं जाते कि हम किसी को दिखाने के लिए जा रहे हैं, नहीं, अपने गुरु को रिझाना है, यहाँ तैयार होके आना है। पहले मेरे में भी ये भाव आता था कि क्या गुरुद्वारे में तो लोग वाइट कपड़े पहन के जाते हैं, अब यहाँ पे तो हम सच संवर के आते हैं, क्यों ऐसा होता है? कि गुरुजी ने ये हमें सिखाया कि मैंने ही तुम्हें दिया है, तेरा दित्ता खामना, ये सारे वस्त्र मैंने ही तुम्हें दिए हैं, इसको भोगो, इस जीवन को अच्छे से भोगो, लेकिन मन को नीवा रखो अपने, दूसरों को नीवे होके मत देखोगे, वो उसको नीचा दिखाने के लिए हमने कुछ करना है, नहीं। और सच में बता रही हूँ, आगे से कभी भी आप सत्संग में जाओ, बुरा नहीं मानना, भेंटे मत लेके जाया करो, गिफ्ट सत्संग में बिल्कुल मत लेके जाया करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अब आप पहले तो गिफ्ट ला रहे हो, हम पकड़ पकड़ के साइड में रख रहे हैं, पहली दूसरी बार तो संगत सोचती शायद सेवादार पता नहीं क्यों पकड़ रहे हैं अपने हाथ में, हम लाए तो आंटी के लिए थे, आंटी ने पकड़ लिया हमसे, हम तो उनके घर ही पहुँचा रहे भी, यहाँ जगह नहीं है कि यहाँ नहीं रखते हम, यहाँ कभी नहीं हम सजाते गिफ्ट, क्योंकि नज़रें जो होती हैं लोगों की उन्हीं चीज़ों पर रहती हैं। फिर मैंने देखा कई लोग आके यहीं सजाते हैं, बर्फी डब्बे डुब्बे, वो सारे गिफ्टों को ही देखते रहते हैं, इसलिए हम गिफ्ट अंदर रखवाते हैं। और बर्थडे हो पार्टी हो, वैसे आ रहे हो, चलो ठीक है, हो सकता है आंटी के घर पहली बार आए हो तो आप लेके आए हो, वो आपका भाव है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन सत्संग में जब भी जाओ ना सिंपल तरीके से जाया करो, गिफ्ट गुफ्ट की कोई जरूरत नहीं होती है, आंटी को पता भी नहीं होना उनके डब्बा कौन लेके आया है, वो सारे दस के जाना आंटी नू केड़ा मैं लेके आई सी ते कौन लेके आया था। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी ना, ऐसे ही सत्संग तो देखो संगत जी बहुत है, बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है, 900 से ऊपर सत्संग है, बहुत महिमा है, बहुत दिया मालिक ने, बहुत ब्लेस किया, कहाँ से क्या क्या नहीं दिया इस दुनिया में, और कितने लोगों के सत्संग है उसके अंदर, सब सुन लेना। यहाँ जो गुरु जी कहलवाते हैं बस यही कहलवाते हैं कि यहाँ आके थोड़े से नियम फॉलो कर लिया करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारा हूँ ही, नहीं भी करोगे तो भी लोग वो आपके ही हैं, पर अगर कर लोगे ना तो बेस्ट स्टूडेंट की अवार्ड मिलेगा आपको, तो उनके टॉप की संगत में आपका नाम आएगा, नहीं तो फिर हम वो ऐसे वाले ही रहेंगे, साइड साइड वाले, फिर जन्म 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 यहाँ आते ही रहेंगे, 84 लाख काट के ये मनुष्य जन्म मिला है, अब इस मनुष्य जन्म में भी अगर हम ध्यान से अपने परमात्मा के साथ नहीं बैठ सकते क्या फ़ायदा, फिर तो हमसे अच्छे तो जानवर हैं, और वो ज़्यादा अच्छे हैं कि वो देखो हमारे घरों में डॉग्स हैं, किसी कल हम किसी के घर के में बर्ड्स थे, शांति से सुन रहे थे, ऐसे बैठ जाते हैं, क्यों चाह भी नहीं करते, मेरे घर में डॉग है रोज सवेरे मंत्र जाप सुनता है, यूं क्यों नहीं करता, मेरे हस्बैंड जोत जगाते हैं साथ ही उनके मत्था टेकता है, कितने कर्म उसके अच्छे हैं, तो हम इतने नाशुक्रे ना बने कि इंसानी जोनी में आके भी हम इधर उधर देखते रहते हैं, तो प्लीज़ अगली बार आओ तो अपने गुरु महाराज को देखना। जय गुरु जी, शुक्राना। और देखिए अब सत्संग के बाद में आपको पता है कि पहले आप डांस करते हो थोड़ा सा, ठीक है, वो क्यों करवाते हैं कि हमारी बॉडी की स्कैनिंग होती है, अब ये जो घुटने वुटने दर्द